नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। मस्तिष्क से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां होती हैं जिसे हर किसी को जानना जरूरी है, लेकिन बेहद कम ही लोगों को इन बीमारियों के बारे में पता चलता है। इन्हीं में से एक बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बेहद ही क्रोनिक कंडीशन है। इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी की नसों को बुरी तरह से क्षति पहुंचती है। दरअसल ब्रेन और स्पाइन में हर एक तंत्रिका फाइबर माइलिन नामक प्रोटीन की एक लेयर से घिरी होती है जो नर्वस की रक्षा करती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन से शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाने में मदद करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने पर माइलिन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे दिमाग के लेटरल वर्टिकल पर धब्बा बन जाता है जिससे अटैक आ जाता है। इस स्थिति में उस हिस्से की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे आंख की नस और रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण आपका शरीर मस्तिष्क तक जरूरी संकेत नहीं पहुंचा पाता। इसमें आंखों की रोशनी भी जा सकती है, हाथ पैरों की ताकत कम हो सकती है, बोलने की शक्ति, पाचन तंत्र और शरीर में कई बड़े प्रभाव हो सकते हैं। क्या है इसके लक्षण? थकान सबसे आम लक्षणों में से एक है। 80% लोगों को थकान महसूस होती है। इस बीमारी की वजह से रोजमर्रा के काम को करने में कठिनाइयां आ सकती हैं। इस समस्या में पीड़ित को चलने फिरने में भी कठिनाई हो सकती है, पैर सुन हो जाते हैं, पैर में कमजोरी आ जाती है और झुंझुनी और कंपन की समस्या होने लगती है। नजरों से जुड़ी समस्या हो सकती है, जैसे एक आंख में दर्द या धुंधली दृष्टि, अंधापन जैसी समस्या होने लगती है। इस समस्या में बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है, साथ ही साथ सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।